नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीला बनाएंगे, तो आइए चीला बनाना शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम समा के चावल और साबूदाना को पीसकर तैयार करेंगे। हमने 1/4 कप साबूदाने लिए और पानी से धोकर पानी में भिगो दिए हैं। हमने 3 घंटे साबूदानों को भिगोया, बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग कर साबूदाने तैयार हो गए। हम मीड कर देखें तो एकदम से ये मैश हो जा रहे हैं। साबूदाने को हम जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छा बारीक पीसेंगे। साबूदाने हमने एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम प्याले में निकाल लेते हैं। हमने 1 कप समा के चावल लिए, अच्छे तरीके से साफ किया, पानी में धोया और पूरे 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया और हमने चावल ले लिए और अब हम ये चावल भी पीस कर तैयार कर लेंगे। तो जार हमारा छोटा है तो चावल को हम 2 बार में पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इन्हें हम हल्का दरदरा पीसेंगे। चावल पीसकर तैयार हो गए, इसी प्याले में डाल देते हैं और बचे हुए चावल भी इसी तरीके से पीसकर तैयार करेंगे। चावल और साबूदाने के मिश्रण को हम मिला लेते हैं और इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। मसाले में हमने 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक लिया है और 2 हरे मिर्च बारीक काट लिए हैं, बीज हटा दिए हैं, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ ले लिया है। 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिया है। सबको अच्छे तरीके से मिलने तक मिला देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी रखेंगे इस तरीके की। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार है और इस बैटर को बनाने में हमने 1 कप पानी का यूज किया है। गैस ऑन कर देते हैं और तवा गरम करते हैं। तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैलाएंगे और गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि हमारा तवा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक्स्ट्रा तेल हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। तवा हल्का गर्म रह गया है, तवे पर हम चीला फैलाते हैं। 2-3 टेबल स्पून बैटर हम तवे पर डालेंगे और चीले को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए फैलाएंगे। चीला हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। गैस तेज कर देंगे और चारों ओर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल चीले के ऊपर डाल देते हैं और हम इसको इस तरीके से प्लेन भी कर सकते हैं पीछे से। हमारा चीला नीचे की ओर से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम पलट देते हैं और दूसरी ओर से बिल्कुल हल्की चित्ती आने तक सेक लेंगे। चीला दूसरी ओर भी हल्का सा सिक गया है, हम इसे उतार लेते हैं। गैस कम कर देंगे और तवे को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर हमें पतले चीले फैलाने हैं तो तवे को ठंडा करना बहुत आवश्यक है। इसको हम गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ देंगे और अब हम दूसरा चीला भी बिल्कुल उसी तरीके से फैलाएंगे। गैस कम कर देते हैं और तवे को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम दूसरे तरीके से चीले फैलाएंगे। हम अपने बैटर को थोड़ा और पतला करते हैं। हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे एकदम पतली कंसिस्टेंसी वाला बना लेंगे। अब हम तवे पर अपना चीला फैलाएंगे। इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे, बहुत ही पतला। तो ये जो चीला है फैलाने में बहुत आसान है। ये हमने फैला दिया, गैस तेज करेंगे और चीले के चारों ओर तेल डालेंगे और नीचे की ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। थोड़ा सा तेल चीले के ऊपर डाल देते हैं। जब भी हम फिर से चीला फैलाएंगे
तो इस घोल को चला लेंगे, क्योंकि चावल का आटा नीचे जा कर के तले में बैठ जाता है और ऊपर बिल्कुल पानी पानी जैसा घोल मिलता है, तो हम थोड़ा सा इसे चलाएंगे। ये चीले हमने सेक कर तैयार कर लिए और इतने बैटर में 6 से 7 चीले बनकर तैयार हो जाएंगे। व्रत के चीले बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे चीले बने हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। इन्हें गर्मा गर्म हरे धनिए की और मूंगफली के दाने की व्रत की चटनी के साथ में परोसें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये चीले बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।